यूपी के बरेली से समाजवादी युवजन सभा के जिला अध्यक्ष वैभव गंगवार की थाने में गुंडई का वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में वैभव गंगवार न सिर्फ थाने में पुलिसकर्मियों को धमका रहा है बल्कि भद्दी भद्दी गालियां भी दे रहा है, जबकि पुलिस वहां मूक दर्शक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले जमीन विवाद पे डायल 100 की टीम ने वैभव गंगवार को हिरासत में लिया था और इसी दौरान उसे किला थाने लाया गया था, जहां उसने पुलिस को जमकर गालियां दी। और आप भी ताकत रखता हूं, बता किसे हटवाना है, किसे लाना है। युवजन समाजवादी युवजन सभा का जिला अध्यक्ष हूं, 50,000 आदमी विपक्ष में, इसका ये मतलब नहीं है यार। अगले यादव के सिपाही पत्नी लीजिए करो, ऐसा मत समझना सरकार बनी। अरे सुनिए, यहाँ के लिए कितने पुलिस वाले आज है कल नहीं है। और अब भी ताकत रखता हूँ, बता किसे हटवाना है, किसे लाना है, तुझे बता। तूने मुझसे पंगा लेके घर लिया, युवजन समाजवादी युवजन सभा का जिला अध्यक्ष हूँ, 50,000 आदमी आप कर लो, ये विपक्ष में इसका ये मतलब नहीं है। खादी के सामने खाकी किस कदर मजबूर हो जाती है, ये वीडियो इसका जिंदा सबूत है। थाने के भीतर धारा प्रवाह गालियां देने वाला ये शख्स खुद को एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव का सिपाही बता रहा है। ये जनाब पल भर में पुलिस वालों को तबादला कराने की धमकी दे रहे हैं। अरे सुनिए, यहाँ के लिए कितने पुलिस वाले आज है कल नहीं है। और अब भी ताकत रखता हूँ, बता किसे हटवाना है, किसे लाना है, तुझे बता। तूने मुझसे पंगा लेके घर लिया, तुझे हम तो मान ही रहे हैं। सत्ता से बाहर समाजवादी पार्टी का ये नेता हजारों की भीड़ जुटाने का दावा कर रहा है। लेकिन पुलिस इस गालीबाज के सामने पूरी तरह सरेंडर कर चुकी है। ये हाल उस यूपी का है जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ पुलिस को खुली छूट देने का दावा करते हैं, लेकिन बरेली की पुलिस इतनी मजबूर है कि थाने में घुसकर कोई शख्स उसे गंदी गंदी गालियां देता रहा लेकिन वो मूक दर्शक बनी रही। तू बोले तो मैं बताऊंगा। अरे सुनिए, यहाँ के लिए कितने पुलिस वाले आज है कल नहीं है। और अब भी ताकत रखता हूँ, बता किसे हटवाना है, किसे लाना है। सब कुछ सुनती रही बेखौफ अंदाज में थाने में दाखिल हुए शख्स का नाम वैभव गंगवार है, जो खुद को समाजवादी युवा जनसभा का जिला अध्यक्ष बता रहा है। लेकिन इनकी भाषा ऐसी है कि किसी सड़क छाप इंसान को भी शर्म आ जाए। आखिर ये शख्स इस कदर क्यों भड़का हुआ है, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप थाने के भीतर की गई इसकी हरकत देखिए। विपक्ष में इसका ये मतलब नहीं है यार। अगले यादव के सिपाही पत्नी लीजिए करो, ऐसा मत समझे सरकार बनी। किसान आदमी है यार, किसान है, जाते ताकत दिखाए। और अब भी ताकत रखता हूँ, बता किसे हटवाना है, किसे लाना है, तुझे बता। तूने मुझसे पंगा लेके घर लिया, मैं तो तुझे युवजन समाजवादी युवजन सभा का जिला अध्यक्ष हूँ, 50,000 आदमी दरअसल पूरा मामला एक प्लॉट के विवाद से जुड़ा हुआ है।
वैभव गंगवार की माने तो 6 साल पहले एक शख्स से एक प्लॉट खरीदा था, लेकिन बाद में पता चला कि वो प्लॉट पहले से ही बिका हुआ है। वहीं जब उसने पुलिस से इस मामले की शिकायत की तो पुलिस उल्टे ही उसके खिलाफ कार्रवाई करने लगी। देखिए, मैंने एक प्लॉट जो है आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व एक प्लॉट खरीदा था अपने रहने के लिए। उस प्लॉट को जिन्होंने मुझे दिलवाया था वो भी मेरे पुराने परिचित ही हैं। उन्होंने मुझसे ये कह के दिया था कि उनके किसी परिचित का प्लॉट है, उसे आप ले लीजिए। तो मैंने वो प्लॉट उस समय लिया था। उसके बाद में जब मैंने उसकी जानकारी निकाली, चूँकि पुराने परिचित थे मेरा, इतना मैंने उस प्लॉट के बारे में इतनी कोई जानकारी निकाली नहीं। बाद में मुझे पता लगा तो मैंने उस प्लॉट की जानकारी निकाली तो वो फर्जी था, उसके पहले से कोई कागज नहीं थे, उसकी रजिस्ट्री ऑलरेडी किसी और की थी। वहीं पुलिस की फजीहत का वीडियो वायरल होने के बाद महकमे के आला अधिकारी हरकत में आए और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। एक वीडियो वायरल हुआ है थाना किला का, जिसमें कुछ लोग हैं जो काफी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। उसके संबंध के वीडियो में जो वीडियो वायरल हुआ उसको देखा गया और उसमें तत्काल कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। उसके जो कंसर्न लोग हैं जिन्होंने मिसबिहेव किया है थाने में, उनके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज कराएंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। उधर शाम को थाने में गरजते अखिलेश के सिपाही के तेवर सुबह होते होते थोड़े नर्म पड़े और मुलायम सिंह के पोस्टर के सामने आकर सफाई दी। आरोप लगाया कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। मेरी ये वीडियो मेरी जानकारी में नहीं है और ऐसा कोई भी वीडियो मेरा नहीं है जिसमें मैंने किसी पुलिस वाले को गाली दी। वहाँ पे जब मुझ पे शब्दों के प्रहार हुए तो मुझे ही गाली दी गई और मेरे ही एक दो लोग जो मेरे साथ थे उन लोगों को भी गाली दी गई और पार्टी के लिए भी बहुत सारा उल्टा सीधा बोला गया। मैं आपको बता रहा हूँ, वो वीडियो पूरा एक सिंगल वीडियो नहीं है, उस वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, एडिट करके पेश किया गया है। वो वीडियो एक्चुअल में नहीं है, पूरा सिंगल वीडियो। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस के साथ समाजवादी पार्टी अपने इस गालीबाज नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि इस नेता की यह हरकत समाजवादी पार्टी की साख पर पलीता लगाने के लिए काफी है। सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, बरेली।